हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है मंडे और अभी बज रहा है 11:30। तो एक्चुअली आज मंडे है, बट फिर भी आज मैंने फास्ट नहीं रखा है। आज जो मेरा पहला सोमवार है श्रावण का, वो तो चला गया है। अभी कुछ कुछ लोग फास्ट रखते हैं, बट मैंने आज फास्ट भी नहीं रखा। मैंने सोचा चलो पूजा नहीं करनी है तो फिर फास्ट किस लिए, तो फास्ट भी नहीं रखा। और अभी सारे काम तो हो गए हैं, बट मुझे ना अभी याद आया एकदम से कि मैंने कपड़े वॉश करके रखे हैं, तो कपड़े मुझे ड्रायर से निकालने हैं। एक्चुअली कपड़े ना हाथों से धोए थे मैंने, तो इसी वजह से वो ड्रायर से निकालने हैं। सिर्फ हाथों से इसलिए धोए थे कि वो ना मतलब थोड़ा सा उसमें वाइट वगैरह था, तो इसीलिए एक वाइट जो मेरा चिकन का वो नहीं है नीचे का वो भी था, और कुछ गोल्डन प्रिंट वाले थे, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो हाथों से ही वॉश कर लेती हूँ। और अभी इसे डालती हूँ ड्रायर में, ड्राई कर लूँगी, उसके बाद सुखाने के लिए डाल देना है मुझे ये। एक्चुअली इससे पहले भी मैंने कुछ कपड़े वॉश किए थे, तो वो मैंने पहले ही डाल दिए थे, बट ये जो कपड़े थे मुझे लगा कि साथ में नहीं डालने चाहिए, इसे मैंने थोड़े से रख दिए थे वो कपड़े थोड़ी देर, और फिर मैंने ये हाथों से वॉश किए। अभी मुझे लग रहा है कि इसे ड्रायर से निकाल लूँ और फिर डाल दूँ, क्योंकि धूप बहुत अच्छे से तेज़ आ रही है, तो अगर थोड़ा सा भी लेट करूँगी ना तो फिर सूखेंगे नहीं कपड़े, और फिर थोड़ी सी स्मेल भी आ जाती है। और इस मौसम में बता भी नहीं सकते कि कब बारिश हो जाए और कब धूप आ जाती है, कब बारिश हो जाती है, तो ये पता नहीं रहे, तो इसीलिए ना थोड़े से घी कपड़े डाल दो तो सही रहता है, थोड़ी सी उसकी स्मेल भी चली जाती है और धूप में जर्म्स भी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी से डाल दूँ। तो बस यहाँ पर कपड़े ड्रायर से निकाल लिए हैं, यहाँ वो बाहर डाल दूँगी, और बाकी के भी कपड़े सूख रहे हैं बाहर, तो यही डालने थे। और अच्छी खासी धूप आ रही थी आज, तो मतलब वैसे तो कभी बारिश हो रही है कभी धूप आ रही है, तो आज बहुत तेज़ धूप थी, मतलब जैसे समर में होती है वैसी धूप थी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो जल्दी कर लेती हूँ। और मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी कि नीचे से जल रहे थे पैर, इतनी अच्छे से धूप आ रही थी आज। तो काफ़ी दिनों के बाद ये हो जाता है कि ऐसे बारिश वगैरह होती है ना, तो उसके बाद ना होता है कि एक दिन ऐसे धूप आ जाती है, तो फिर बाहर सुखाने के लिए भी डाल देते हैं सब कुछ, गद्दे वद्दे सुखाने के लिए डाल देती हूँ मैं, तो आज वो भी हो गया था कि गद्दे भी सुखाने के लिए डाल दिए थे मैंने, बाहर गद्दे डाल दिए थे, ब्लैंकेट डाल दिए थे। और कभी कभी ऐसे तेज़ धूप में फिर एक्स्ट्रा भी वॉश कर लेती हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि कर्टन्स हो गए और सोफ़े के ऊपर के जो कवर होते हैं वो हो गए, तो ऐसे कुछ चीज़ें और पिलो कवर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें से फिर एक्स्ट्रा वॉश कर लेती हूँ। तो बस अभी सुबह के सारे काम तो हो चुके हैं, सिर्फ खाना बनाने की तैयारी ही करनी है। एक्चुअली आज कल का दूध बचा था, इसी वजह से मैंने उसका ना ये फाड़ के पनीर बनाया है। ये घर का पनीर है, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट पनीर बनाया है। पता नहीं अभी इस पनीर की सब्जी रात को बनाऊंगी या अभी बनाऊंगी, तो अभी तो डिसाइड नहीं किया है, थोड़ी देर में डिसाइड करूंगी, और जो भी सब्जी बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर तो करूंगी ही। एक्चुअली बच्चों को ना भूख लगी थी और मेरी सब्जी भी नहीं बनी थी, तो मैंने उनको ना श्रीखंड दिया है खाने के लिए, श्रीखंड और रोटी ला रही हूँ। अद्विक को भी भूख लगी थी और माही को भी भूख लगी थी। ये जो श्रीखंड है वो खरीद के लाया हुआ है, और नागपंचमी एक दिन लाया था इन्होंने खरीद के, बट श्रीखंड घर पर भी बना सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है श्रीखंड कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि दही जो होता है प्योर दही होता है ये श्रीखंड, मीन्स दही को कपड़े में बांध के रखते हैं और उसमें पानी का बूंद भी नहीं रहना चाहिए। उसका पूरा पानी निकल जाने के बाद ना उसे मिक्सी में पीस लेते हैं, मतलब चिकना उसका पेस्ट बना लेते हैं, और उसके बाद उसमें चीनी, ड्राई फ्रूट्स और क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा इलायची पाउडर वगैरह डाल के उसका श्रीखंड बनाते हैं, तो उसे श्रीखंड बोलते हैं हमारे साइड में, और खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। यार बहुत जल्दी जल्दी किया क्योंकि भैया आने वाले हैं और मैंने खाना बना लिया। एक्चुअली मैंने सेव की सब्जी ही बनाई, आपको दिखाती हूँ, और बहुत जल्दी जल्दी किया मैंने। इन्होंने टाइम पर मुझे कॉल किया कि भैया आने वाला है करके, तो इसीलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा, आप लोगों से बात करने का भी टाइम नहीं मिला, तो इतना ज़्यादा ऑयली हो चुका है अभी फेस कि आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर सेव की सब्जी है, ये यहाँ पर बूंदी का रायता है, फिर ये है दाल, और राइस को जीरे का तड़का लगाना बाकी है।
तो ये यहाँ पर राइस ठंडे हो रहा है, इसको जीरे का तड़का मैं बाद में लगाऊंगी। गाइस भैया ने ना ट्रैक्टर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा क्यूट है यार, छोटा सा ट्रैक्टर है ये, देखो न्यू ट्रैक्टर लिया है वो, इसके लिए ब्लू ब्लू और न्यू है, तो बहुत क्यूट लग रहा है मुझे ना। बहुत मतलब एकदम छोटा सा है, आप देख सकते हो ये छोटा सा ट्रैक्टर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कलर भी बहुत प्यारा है इसका, ये देखो अद्विक कहाँ चढ़ रहा है देखने के लिए। बहुत ज्यादा क्यूट ट्रैक्टर है, छोटा सा है, वो खेती बाड़ी के लिए लिया है भैया ने, तो उसी के लिए आए थे भैया। और अभी बाप रे अभी कितने बजे हैं, एक मिनट, भैया नहीं आपके मामा है, 5 बज रहे हैं, फिर भी अभी तक इन्होंने खाना नहीं खाया है। अभी भैया और ये आए हैं वहां से ट्रैक्टर लेके, तो बस फ्रेश हो रहे हैं। मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ, ट्रैक्टर भी बहुत ज्यादा क्यूट लगा मुझे, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। बैक कैमरे से भी आपको दिखा देती हूँ। कलर अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा आप उठा सकते हो, चलो उतरो नीचे, उतरो, चलो उतरो नीचे, चलो मैं खाना परोसती हूँ। और हाँ ट्रैक्टर कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। और बहुत ज्यादा ऑयली स्किन हो गई यार मेरी, देखो मैं ना थोड़ा सा भी किचन में काम करती हूँ ना, तो बहुत ज्यादा स्किन ऑयली हो जाती है मेरी, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, और जो भी ऑयली स्किन वाले हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होता होगा। चलिए फिर मैं खाना परोसती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। एक्चुअली ये शाम का टाइम था, तो शाम को ये पूजा कर रहे हैं, ये भैया लेके जाने वाले थे घर पे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर ही पूजा कर लेते हैं पहले। ये हार वार वहाँ से ही चढ़ा के लाए थे भैया, वहाँ पर भी पूजा हुई थी शोरूम में, बट यहाँ पर आने के बाद और पूजा की हम लोगों ने, नारियल वारियल फोड़ा, और उसके बाद थोड़े से स्वीट वगैरह मतलब पेड़े वगैरह बांटे, तो बस इतना ही किया था। और जो ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था एक्चुअली, ट्रैक्टर वैक्टर यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता है ना ज़्यादा, मतलब वैसे सिटी में इतना ज़्यादा कहाँ, सिटी में कहाँ देखने के लिए मिलता है ये ट्रैक्टर वगैरह, तो इसीलिए ना ये देखते ही बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और वैसे ही जैसे शोरूम से घर पर आया ना, तो वैसे भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि यार नई कुछ चीज़ आई है। और ये ना सुबह से ही मतलब पहले ऐसी ड्यूटी ख़त्म हो गई, तो ये शोरूम में चले गए थे भैया के पास वहाँ पर, और दोनों ने ये वो ट्रैक्टर परचेस किया, फिर उसके बाद आए घर पे लेके उसे, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो यार कोई नई चीज़ आई है, और वो भी लॉकडाउन में। और आपको बता दूं कि आज ये लेने का रीज़न भी ये ही होगा कि भैया का, मुझे तो इतना पता नहीं था कि भैया आने वाले हैं करके लेने के लिए ट्रैक्टर, बट यहाँ पर आने के बाद फिर भैया ने कॉल किया कि आ गया हूँ मैं यहाँ पर ट्रैक्टर लेने के लिए, तो और इनको भी नहीं पता था, इनको भी बताया नहीं था भैया ने, टाइम पर ही यहाँ पर आने के बाद ही बताया था। बट ये रीज़न था कि यार आज तो मतलब सोमवार भी था, श्रावण का पहला सोमवार, और सेकंड रीज़न ये है कि आज मेरे मम्मी का बर्थडे भी था। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई थी कि मम्मी का बर्थडे भी है 27 को, मतलब सोमवार को बर्थडे भी था, तो इसी वजह से ये ट्रैक्टर लिया होगा भैया ने। एक्चुअली मैं ये अपना बता रही हूँ, बट भैया का रीज़न नहीं पता था मुझे, और मुझे लगता है कि यही होगा रीज़न भैया का भी। एक्चुअली वो दिन भर से बहुत ज़्यादा परेशान था उसी चक्कर में, और अकेला ही आया था, तो उसने कुछ बताया भी नहीं था, पहले से बता था तो थोड़ा सा हम लोग तैयारी करके रखते, बट कोई नहीं, उसने टाइम पर बताया, फिर भी खुशी बहुत हुई हमें, चलो अच्छी चीज़ नई चीज़ आ गई है घर पर। और ये मेरे बड़े पापा का बेटा है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने इन्हें
पहले भी देखा होगा, एक्चुअली राखी वगैरह के व्लॉग में देखा होगा आपने, तो अभी इस राखी पे भी आएंगे सब और आपके साथ राखी व्लॉग तो शेयर करूंगी ही मैं। तो अभी तो बस यही हो रहा था, भैया को जल्दी जाना था इसी वजह से जल्दी जल्दी कर रहे थे ये, इनके हाथों से पूजा करवानी थी भैया को इसीलिए ये घर पे लेके आए थे और फिर पूजा की यहाँ पे भी और फिर घर पे भी जाके उसको पूजा करनी थी। भैया भाभी का कॉल पे कॉल आ रहा था कि जल्दी आओ करके, फिर भी बहुत लेट हो गया था उसे, यहाँ से ही हम लोगों ने बहुत लेट भेजा और बस यही हो रहा था, पेड़े वगैरह खिलाए एक दूसरे को। तो बस यही छोटी सी खुशी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने सोचा चलो आपको भी बता देती हूँ कि लॉकडाउन में क्या नई चीज आई है घर पे। तो गाइज बहुत ज्यादा थक गई हूँ यार आज, अभी भैया गए हैं और मैंने सोचा चलो अभी ब्लॉग को एंड कर देती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ अभी, क्योंकि इसके बाद मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज। तो आज है रुपेश नील जी का बर्थडे, तो उनकी वाइफ ने कमेंट की थी उनका बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे रुपेश जी, आपके बर्थडे के दिन गॉड से यही प्रे करूंगी कि आपके आगे की लाइफ बहुत अच्छे से जाए, आपको भर भर के खुशियां मिले और आप आगे बहुत ज्यादा तरक्की करो। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल है तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। चले फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।